मुझे सब मालूम है, कुछ मतलबी लोग मुझसे रिश्ता इसलिए भी निभा रहे हैं क्योंकि उन्हें मुझसे बीच बीच में काम पड़ता रहता है। मतलबी जमाना है बादशाह और ये नफरतों का शहर है। ये दुनिया दिखती तो शहद है लेकिन पिलाती जहर है। बस कुछ ज्यादा तो नहीं, बस इतना कामयाब कर देना भगवान कि अपने माँ बाप के सारे शौक पूरे कर सकूं। किसी के लिए कितना भी कर लो, जिसको जाना है वो चला ही जाता है। कौन किसके लिए रुका है? आज की डेट में प्यार मजाक बन चुका है। सावासी हरे तुमको, रंग बदलने में बड़े जाबाज हो गए हो। अजी सावासी है तुमको, रंग बदलने में बड़े जाबाज हो गए हो। हमें आम कर दिया या आजकल किसी और के खास हो गए। जो हम पर भरोसा करे उसका हाथ खाली नहीं भेजते। हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम लेते हैं और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट देते हैं। अरे मुझे डराने चलाए इन छोटे मोटे हथियारों से। साले घर से उठा ले जाएंगे अगर मिस कॉल भी मार दी आरोप है। पाँच बजे। ओ वाह, मॉर्निंग वॉक पे जाता होगा ना? नहीं, मूत के सो जाता हूँ। बात तो सही है, वैसे गलत तो होती है। कुछ लड़कियाँ कर रही हैं देश का नाम रोशन, तो कुछ विदेशों में भी छाने लगी। और लानत है उन पर जो घर से आजादी मिलने का फायदा उठाकर सोशल मीडिया पर अपना जिस्म दिखाने लगी। अब मैं खुद को इतना बदल दूंगा कि तू तो क्या, मेरे अपने तरस जाएंगे मुझे पहले का जैसा देखने के लिए। बेबी बताओ वाइफ को हिंदी में क्या बोलते हैं? चुड़ैल। शाबाश। मैं हरामी हूँ। जिंदगी झंड कर देंगे सालों की, हमने कटिंग करवा ली है बालों की। हमें दोस्ती से नहीं बस नकली चेहरों से है परहेज। हमारी पीठ पीछे बात करके आज वो बन रहे हैं बहुत तेज। सामने से बोलते हैं सर सर। रहने दो छोटे, बराबरी करनी है तो सीधे बाप को भेज। तुझे पता है तेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करती है? मुझे तो पहले से ही पता है। तुझे किसे पता है? उसने उसके बायो में लिख के रखा है एनिमल लवर्स। हर कोई देखते ही रिस्पेक्ट करे, एक दिन वो स्टेटस बनाना है। और दिन रात एक कर दूंगा पर जुबान है, अपने सिग्नेचर को अपना ऑटोग्राफ बनाना है। अगर मंजिल पहाड़ है तो बेटा हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। तो आइए हम इन मैन से आते हैं। मैम सबसे ज्यादा धोखे कौन देते हैं, लड़के या लड़कियाँ? ऑफ कोर्स लड़कियाँ। क्या बोला तूने? आपके हिसाब से हर लड़की धोखेबाज है? हाँ हाँ, हर लड़की। क्या सोच है रे तेरी? आप लड़कियों के बात बोल रहे हो? मैंने खुद चार लोगों को धोखा दिया है। हम लड़के हैं जनाब, लड़कियाँ हमारे कपड़े पहन सकती है पर हम लड़की के नहीं पहन सकते। हम लड़कियाँ ना हर काम दिल से करते हैं। हाँ, क्योंकि दिमाग तुम्हारे पास होता ही नहीं है। क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? लोग कहते हैं मेरी शक्ल सुअर जैसी है। अब लोग कह रहे हैं तो सही कह रहे होंगे। अरे घर नहीं पूरा शहर सजेगा जब तेरे नाम के पीछे सरनेम हमारा लगेगा। सारा पिंड देखो खड़के, उड़ा जिस दिन तेरा मेरा ब्याह सुनिया। बेबी तुम हमारे प्यार के बारे में क्या सोचते हो?
आसमान के तारे गिने एक बार। ओ इन्फिनिटी। नहीं, समय की बर्बादी। बेबी पहले तो आप हमेशा बोलते थे कि मैं आपके सपनों में आती थी, अब क्यों नहीं आती? अरे मैं हनुमान चालीसा पढ़ के सोता हूँ ना। बाबूजी ठंडा बढ़ गया है, रात को बहुत ठंडा लगता है। ठीक है बेटा, कल रजाई खरीद के ला देंगे। बाप का लोहा खरीद के ला दीजिएगा, ब्याह करने का मन करता है। फरिया का बोलेंगे तब समझिएगा, ब्याह करवा दीजिए, राजा का जरूरत तो नहीं है। अरे भाई इधर आओ, इधर आओ। आओ भाग क्यों रहे हो? अरे यार मैं मारा हूँ, मुझे भागना चाहिए। हाँ यार बात तो सही है। तो टैगी और दोस्त के एक बार भी उनको याद ना मेरी आई, एक बार भी उनको याद ना मेरी आई। और गर्लफ्रेंड मिल जाने के बाद दोस्त भूल जाते हैं, लेकिन जब ब्रेकअप हो जाता है तो आके कहते हैं, तुम बहुत सही दोस्त है मेरे भाई। चुप कर वरना पिटेगा। तू मेरे लिए रोती थी। I hate you. I love you too. चुप कर वरना पिटेगा। तू मेरे लिए रोती थी। I hate you. I love you too. बाद लोगों की संगत से जरा दूर ही रहा करो, और अगर सच्चा प्यार ही चाहिए ना, या अगर सच्चा प्यार ही चाहिए ना, तो आई लव यू इन लड़कियों को नहीं, अपनी माँ को जाकर कहा करो। लड़की मरती है लड़के पे, घोड़ी मरती है घोड़े पे। चलो इन सब बातों को छोड़ो मेरे हेटर्स मेरे। बाहर निकलो अपनी योजना लेकर, जिससे ईमान पर उंगली उठे मैं वैसा काम नहीं करता। और अपनी जानकारी कहीं और जाकर दीजिएगा, हमारा नाम वहाँ काम करता है जहाँ तुम्हारा पैसा काम नहीं करता। दोस्त को अपना राज मत बताओ, क्योंकि हर दोस्त का कोई दोस्त होता है। सर कटप्पा और बाहुबली से भी बड़ा सवाल। कौन सा सवाल? टप्पू के जन्म से पहले दया जेठालाल को क्या बुलाती थी? दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहा मुझ जैसा मासूम इंसान। सर कटप्पा और बाहुबली से भी बड़ा सवाल। कौन सा सवाल? टप्पू के जन्म से पहले दया जेठालाल को क्या बुलाती थी? ओए तुझे पता है टाइटैनिक कैसे डूबा? हाँ कैसे? ऐसे डूब गया, अचानक से डूबा, झटका सा लगा जोर। अच्छा सुनो तुम क्या करते हो? मैं लोगों को दुख दर्द से बाहर निकालता। ओ डॉक्टर हो? अरे नहीं नहीं मेरी दारू की दुकान। तुम भी चलो करो क्या। के मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही। के मिल्क को कहते हैं दूध और कर्ड को कहते हैं दही। लड़कियों कहीं तुम्हारे दिल में मैं तो नहीं? Well done.